गुड आफ्टरनून गाइस, घर पे मैं अकेला था तो सोच रहा था खाने के लिए क्या बनाया जाए। पहले मैंने सोचा कि मैगी बनाते हैं, फिर मैं दुकान पे गया तो दुकान पे सब्जियां देख करके ख्याल आया मेरे को कि मैगी क्यों खानी, अगर मैगी मैं बना सकता हूँ तो क्यों ना कुछ और खाने के लिए अच्छा बनाया जाए। तो उसको बनाने के लिए मैंने एक घंटा पहले चावल एक गिलास भिगो लिए है, चावल बनाऊंगा मैं। और बाहर मेरा किचन बिल्कुल रेडी है, ये मेरा चूल्हा है, पोर्टेबल स्टोव है कैंपिंग वाला, तो इसके ऊपर कुकिंग करूंगा मैं, इसके ऊपर बनाऊंगा पुलाव। और पुलाव बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारी सब्जियां ला करके रखी है शॉप से, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और ये नारंगी संतरे, ये मैं आनी से लेके आया, आलू, प्याज, अदरक, मटर, हरी मिर्च, हरा धनिया ताज़ा तोड़ के लेके आऊँगा खेत से, और ये सारी चीज़ें मेरी तैयार है। सब कुछ मैं कुकिंग जो है बाहर ही करूँगा, चॉपिंग बोर्ड रखे हैं चॉपिंग करने के लिए, नाइफ रखी है बहुत सारी, बदल बदल के कटिंग करनी पड़ती है, कुछ लहसुन वगैरह कुछ पीसना हो तो ये कुंडा डंडा रखा है, और साथ में चाय बनाने के लिए फ्राई पैन रखा है, ये छोटा कड़ाऊ रखा है तड़का लगाने के लिए, पानी की बॉटल रखी है पानी डालने के लिए चावल में, और ये पीछे का व्यू भी आप देख सकते हो इको फ्रेंडली है, पूरा ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई देगा, रंग बिरंगा व्यू दिखाई देगा। ये ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से कुकिंग करते हैं क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सोच सोच के ही कि मैं कुकिंग करूँगा, पुलाव बनाऊँगा, तो पुलाव जो है बहुत अच्छा बनने वाला है क्योंकि इतनी मेहनत से इतनी रीझ से मैं काम कर रहा हूँ तो अच्छा बनेगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन अपने घर में जब भूख लगती है पुलाव बना करके खाते हैं, मैं खाता हूँ लेकिन मेरे को बनाने का बहुत होता है कि इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन आज मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं इसको पूरी तमन्ना से पूरे मन से बनाऊंगा। बाहर कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो फ्रेश हवा मिलती रहती है, और बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है बाहर क्या चल रहा है, और पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़ सुनने को मिलती है, तो बाहर कुकिंग करने का अलग ही नज़ारा है। पहले गाँव के लोग बाहर ही चूल्हा जलाते थे, बाहर ही कुकिंग करते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माना है, बाहर कुकिंग करने का ना वो कहीं भूल नहीं सकता क्योंकि बाहर कुकिंग करने का अलग ही मज़ा है। का सारा सामान तैयार है, प्याज, लहसुन, अदरक और ये वेजिटेबल्स पुलाव में डालने के लिए, और मटर, टमाटर, बस अब इस गैस स्टोव को ऑन करके लगाते हैं फटाफट से तड़का क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और आप सब लोगों को भी बेसब्री से इंतज़ार होगा कि कब पुलाव बन के तैयार होगा। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने गैस को बंद कर दिया, अगर इस गर्म तेल में कुछ डाल दिया तो वो एकदम से जल करके राख हो जाएगा तो इस चीज़ का मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको फटाफट से बंद कर दिया। तो अभी पहले इसमें डालेंगे हम लोग लहसुन, फिर उसके बाद जीरा,
तो हमारा रेडी है, बस हम अब चावल डालेंगे इसमें। सारी सब्जी में डाल के थोड़ी सी सब्जी को ना थोड़ा सा सेक लग जाए तड़के का, उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि चावल हमारे जले नहीं और अच्छा टेस्ट आए इसमें। तब इसमें चावल भी डाल देते हैं। जितने हमने चावल डाले हैं और उससे डबल पानी डाला है इसमें, तो मैंने दो गिलास एक गिलास चावल डाले हैं और इसमें दो गिलास पानी के ऐड करने हैं। फिर इसको ढक करके लो फ्लेम पे पकने देंगे। जितनी देर में हमारे चावल पकेंगे उतनी देर में खेत से जा करके धनिया ले आता हूँ। धनिया को काट के चावल में डालना है जिससे कि हमारे चावल पुलाव को चार चांद लग जाए खुशबू से, धनिया की खुशबू से और धनिया के टेस्ट से। तो चलिए खेत में चल करके थोड़ा सा धनिया तोड़ के लेके आते हैं, जितना हमारे चावलों के चाहिए उतना दें। हमारे गाँव में मेरे को एक सब्सक्राइबर मिले थे, हमारे पास ही के गाँव से है, ऐसे चंडीगढ़ रहते हैं वो, और उन्होंने मेरे को बोला था कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, काफ़ी टाइम से हम आपकी वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए कि कुकिंग की वीडियोस बनाइए, अच्छे से सेटअप लगा करके अच्छे से गार्निशिंग करके वीडियोस बनाइए, वो वीडियोस आपकी बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने आपकी बात मान ली और आपकी बात को फॉलो करते हुए आज उसी तरह का सेटअप लगाया जिस तरह से आप बोल रहे थे, जिस तरह से सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हमें देखने को मिले। हाँ, धनिया की खुशबू कितनी अच्छी है, एकदम से अंदर तक फील हो रहा है कि हाँ कुछ किसी चीज की, किसी अच्छी चीज की खुशबू आई है। तो अभी सनसेट हो रहा है, अपने घर को जा रहे हैं, तो हम भी अपना काम करके अब थोड़े चावल धीमे आंच के ऊपर पक रहे हैं। मेरे को डर ये था कि पक्षी ना जाए, यहाँ पे सेवन सिस्टर आते हैं ना तो सारा सामान बिखोर देते। चावल धीमी आंच के ऊपर पक रहे हैं, एक बार ढक्कन उठा करके देख लेता हूँ, बस पक रहे हैं, बस थोड़ी देर की बात और है फिर ये तैयार हो जाएंगे, और तब तक के लिए मैं धनिया चॉप कर लेता हूँ। मेरे को चॉपिंग बोर्ड के ऊपर काम करने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसके ऊपर नाइफ चलाने का अलग ही टेस्ट है, अलग ही मज़ा है। देखो धनिया कितनी अच्छी तरह से चॉप हो गया पूरा। पानी की बोतल खाली है, इसको रिफिल करके लेकर आते हैं। थोड़ा सा धनिया इसमें अभी डाल देता हूँ, बाकी धनिया इसके ऊपर डालेंगे गार्निशिंग के लिए करता हूँ। और मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल बंद हो गया, और मैं काम करना था लेकिन ये बंद हो गया। तो लो फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि चावलों का पानी सूख चुका है, अगर ज़्यादा फ्लेम किया चावल नीचे लग के जलना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट टाइम बासमती राइस बना रहा हूँ मैं, पहले मैं दूसरे ही चावल बनाता था और मेरे को दूसरे चावलों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है इससे, पर अभी घर पे दूसरे चावल नहीं थे तो ये मिले मेरे को, मैंने यही पकाना शुरू कर दिया। चावल हमारे पक चुके हैं, इसको थोड़ी देर गैस को बंद करके स्टीम से पकने देते हैं, फिर उसके बाद
15-20 मिनट के बाद चावल हम लोग उतार लेंगे। ये एक लॉजिक है, मुझे प्रीति ने सिखाया है कि चावल पकने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो, फिर ये स्टीम से पक जाते हैं, जो इसमें पानी रहता है ना वो सारा सूख जाता है। अदरवाइज हम ऐसे पकाएंगे तो चावल नीचे लग जाते हैं। तो मैं अभी ना इसको पतीली को सीधी कर देता हूँ, इसके ऊपर ढक्कन नहीं टिक रहा, इसका लेवल थोड़ा सा खराब लगता है ये। अब ठीक है, अब इसको ढक्कन ले करते हैं, इस तरह से खा है। चावल की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, उम्मीद है कि अच्छे बने होंगे। वाह, थोड़ी सी हल्दी मेरे को कम लग रही है, सब काम सही हो गया, चावल भी अच्छे बने, बस मैं थोड़ा सा गार्निशिंग करने में फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखूंगा। बस ये है कि फर्स्ट टाइम ऐसे चावल मैंने पुलाव बनाए हैं, तो अच्छे बने हो, टेस्टी बने हो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। चावल टेस्ट करते हैं, मेरे को उम्मीद है कि अच्छे बने होंगे, क्योंकि मेहनत से लगन से जब कोई काम करते हैं ना तो वो अच्छा होता है। सुपर, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बने। लंच तो मेरा हो गया अभी, और मैं रात को भी यही खाऊंगा, अगर बचे तो सुबह भी यही खाऊंगा, क्योंकि मेरे को चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल। थोड़ा सा नमक कम है, लेकिन नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, दही में नमक डाल सकते हैं तो इसमें नमक भी हो जाएगा, और इसमें सारी सब्जियाँ हैं तो, और काफ़ी विटामिन है। तो चलिए इंजॉय करते हैं अपने चावलों को, सॉरी पुलाव को, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे को आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप सब लोग मेरी हिम्मत है। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तब मेरे को बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊँ, और अगर आप लोग चाहते हैं कि कुकिंग की वीडियोस और बनाऊँ मैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहते हो वो कीजिएगा।